हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज ये हिटाची का इंडोर यूनिट है, इसे हम रिपेयर करेंगे। और ये देखिए इंडोर यहाँ पे लगा हुआ था, ये हमने निकाल के रख दिया था, यहाँ पेंट वगैरह हुआ था इसलिए। तो ये वापस यहाँ पे इसे हैंग करेंगे और ये इंडोर यूनिट को पहले हम खोल के रिपेयर करेंगे और इसमें गैस फिलिंग करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ये हमारा इंडोर यूनिट, इस तरफ से कूलिंग कॉइल इसकी लीकेज है। ये देखिए ऑयल हमने ट्रेस कर लिया है। ये ऑयल के सिम्टम्स, ऑयल देख के हमें ये पता लग जाता है कि ये गैस के सिम्टम्स है, इसमें गैस लीकेज है। इसके लिए कॉयल को बाहर निकालना होगा। कॉयल हमने बाहर निकाल ली है। अब इसे हम अपने ब्लो लैम्प की बत्ती से इसे अच्छे से हीट करेंगे। जो ऑयल वगैरह निकला हुआ है उस ऑयल को जलाएंगे और कार्बन साफ करने के लिए पाइपों को हीट करेंगे। ये सारे पाइप यू बैंड जो होते हैं, इन्हें हीट करके कार्बन साफ करना होता है। ये देखिए हमारी हीट हो चुके हैं। अभी लेंगे ये अपना लोहे वाला ब्रश, इससे अच्छे से कार्बन को क्लीन कर देंगे। ये कार्बन क्लीन हो चुका है हमारा। तो ये हमने लिया है, इसमें 5/8 का यूनियन है, तो इसलिए 5/8 का ये जो फिलियर का ये बना हुआ पाइप है, इसे बंद इसलिए कर देंगे। तो इसमें क्वार्टर वाले से हम इसमें प्रेशर डाल के चेक करेंगे कि लीकेज कौन कौन से ट्यूब हैं। चार्जिंग लाइन लेंगे, चार्जिंग लाइन इस क्वार्टर वाले में इसे कनेक्ट करके इसमें हम प्रेशर डालेंगे और ये लगभग 100 PSI के लगभग प्रेशर डाल के पता लग जाएगा इसमें लीकेज कहाँ पे है। हाँ, ज़्यादा डाल देंगे, लगभग 150 के लगभग, और क्या 100-110 प्रेशर डाल दिया। सिलेंडर को बंद कर देंगे, चार्जिंग लाइन हटा के अब इसमें सॉफ्ट सॉल्यूशन बना के, ये देखिए इस पर हम सर्फ का पानी डालेंगे, सॉफ्ट सॉल्यूशन डालेंगे तो ये बबल्स आ रहा है जो ट्यूब पर, इस तरीके से लीकेज होती है दोस्तों। तो ये बारी बारी से सारे यू बैंड चेक कर लेंगे। तो लीकेज को हमने ट्रेस कर लिया है। ये देखिए अब इसका हम प्रेशर रिलीज कर देंगे। प्रेशर रिलीज करने के बाद वापस ब्लो लैंप लेंगे और इन पाइप को जो लीकेज है तो ये पीछे की साइड में ऊपर की तरफ इधर के हम, ये हमारा एक पाइप ली गई था तो यहाँ के 3 पाइप हम ब्रिज कर देंगे। ब्रिजिंग अच्छे से करेंगे, इसकी लॉ इतनी रखनी है कि ना ही हमारा पाइप फटे और इतना बस गर्म हो जाए जो हमारा जो हम इस पर लगा रहे हैं रॉड, ब्रिजिंग रॉड, वो मेल्ट होकर अच्छे से ब्रिजिंग हो जाए। ये हमारा पाइप ब्रिजिंग इस तरफ से होने वाला है। ये बैक साइड के 3 पाइप हमारे ब्रिजिंग हमने कर दिए और अब हम इस तरफ पे भी 2 पाइप ब्रिजिंग कर देंगे। तो नीचे ज़्यादातर या तो स्टार्टिंग में होती है या फिर लास्ट में, ज़्यादातर स्टार्टिंग वाली पाइप में होती है, नीचे की रोम में या बैक साइड में। इन्हें दोनों को हम अगर एक तरफ का लीक हो जाए तो रोम का दूसरी तरफ का भी हमें ब्रिजिंग करना होता है। ये दोनों तरफ के पाइप, बैक साइड के और ट्रे वाली साइड के, दोनों तरफ दोनों हमने ब्रीजिंग कर दिए हैं। अब इन्हें पानी से ठंडा कर लेंगे पहले। ये गर्म है पाइप, तो इस पर पानी डालेंगे ठंडा करने के लिए। दोस्तों ये ठंडे हो चुके हैं, हमने प्रेशर भी इसमें फिल कर दिया। ये देखिए प्रेशर फिल करेंगे इसमें, सिलेंडर हमने खोल दिया है, वही लगभग 100-110 PSI प्रेशर दोबारा से इस पर फिल करके, ये 110 PSI प्रेशर पहुंच गया। आप सिलेंडर को बंद कर देंगे और इसे चार्जिंग लाइन का गेज ये भी बंद कर देंगे। सिलेंडर से चार्जिंग लाइन डिस्कनेक्ट करके फिर वही सॉफ्ट सॉल्यूशन से लीकेज चेक करेंगे कि कहीं हमारा ट्यूब लीकेज तो नहीं रह गया। ओके, पाइप हमारा अब लीकेज नहीं है। इस तरफ भी हमने ब्रीजिंग की थी, इधर भी हम सॉफ्ट सॉल्यूशन डाल के टेस्टिंग कर लेंगे। सारे पाइप हमें टेस्ट करने होते हैं
अगर ज़रा सा भी माइनर भी लीकेज रह गया तो फिर हमारी गैस दोबारा से निकल जाएगी। तो ये प्रेशर रिलीज कर दिया, लीकेज अब नहीं है। जो हमने 5-8 का ये कसा था इसे वापस रिमूव कर देंगे इसे। ऐसे रिमूव करने के बाद अब हम कॉइल को इसकी बॉडी में इंडोर में फिट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से कॉइल हमारी फिट हो चुकी है। अब ये पीछे की तरफ ये जो पेच हैं इन्हें सब अच्छे से पेच लगा देंगे, तीनों पेच। पीसीबी खोली थी वो भी अच्छे से उसके पेच लगा देंगे। और ये देखिए इंडोर हमारा फिट भी हो चुका है, हमने इंडोर हैंग कर दिया, स्टेबलाइजर भी हैंग कर दिया है। अब हम आउटडोर की तरफ जाएंगे बैक साइड में, तो बैक साइड में ये फ्लेयर थे हमारे, इंडोर के फ्लेयर हमने फिट कर दिए हैं। दोनों फ्लेयर अच्छे से टाइट करेंगे ना, ये देखिए एक एक करके, पहले एक 5-8 का कर दिया हमने टाइट, अब ये क्वार्टर का टाइट कर देंगे। ये फ्लेयर दोनों हमारे टाइट हो चुके हैं अच्छे से। अब इसके ऊपर इंसुलेशन फॉर्म लगानी है। अब हम आ गए आउटडोर पे, आउटडोर भी हमें टेस्ट करना है पूरा खोल के कि इसमें से लीकेज नहीं है कहीं, ऑयल वगैरह देखना है, ऑयल ट्रेस करना है, कहीं लीकेज होगा तो ऑयल आ गया होगा वहाँ पे। तो इस तरफ का भी खोलना है हमें, पूरा आउटडोर खोल देंगे। ये देखिए हमने पूरा आउटडोर खोल दिया है, तो ऐसा इसमें कहीं हमें नज़र नहीं आया लीकेज का कोई पॉइंट, तो ये आउटडोर हमारा लीकेज नहीं है। ये जो लग रहा था ये भी हमने गर्म करके चेक कर लिया एक बार, इस पर प्रेशर डाल के वो ठीक है। और एक बार इसका कैपेसिटर भी हम चेक कर लेंगे कि कैपेसिटर वीक तो नहीं है, क्योंकि एक बार कंप्रेसर ने झटका से लिया था, हो सकता है कि वीक हो रहा हो। जो 50 MFD का कैपेसिटर लगा था, इस कैपेसिटर को हम रिमूव कर देंगे पहले। ये कैपेसिटर हमने रिमूव कर दिया है, अब इसे क्लैंप मीटर लेंगे तो इसको ऑन करेंगे। ऑन करके इस पे करेंगे हम, ये जो 4 पॉइंट होते हैं कैपेसिटेंस पे ले जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे इसमें ऑटो NF लिख के आएगा, इस पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये 2 पॉइंट है, दोनों पे एक नोब इधर रखेंगे और एक इस तरफ। अब थोड़ा वेट करके देखेंगे इस पे डिस्प्ले पे क्लैंप मीटर की। ये देखिए 49.50, तो ये 49.50 MFD ये बता रहा है हमारा कैपेसिटर। और ये कैपेसिटर पे एक बार देख लेंगे ये कितना बता रहा है। ये कैपेसिटर देखिए 50 MFD का कैपेसिटर है, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इसी को हम वापस लगा देंगे, इसे चेंज नहीं करेंगे, साफ करके इसे ही लगा देंगे। इसके कनेक्शन एक बार आप लोग देख लीजिए, इसके इस पे कैपेसिटर पे 3 वायर लगे हैं, 3 लगे होते हैं, जिधर एक तरफ 2 पॉइंट दिए हैं, एक तरफ 4 पॉइंट है। जिधर 4 पॉइंट हैं वो हमारा कॉमन होता है न्यूट्रल, तो उस पे एक हम या तो न्यूट्रल या फेस दे देंगे और उसी के साथ एक रनिंग दे देंगे। ये देखिए ये दोनों हमने एक तरफ दे दिए। अब ये हमारा स्टार्टिंग जिधर 2 पॉइंट है सिर्फ, एक तरफ स्टार्टिंग दे देंगे, एक बार स्टार्टिंग की एक तरफ और वो दोनों रनिंग और जो न्यूट्रल वाला या फेस वाला वो एक तरफ। इस तरीके से हमारी कैपेसिटर की वायरिंग हो गई। तो अब हम इस आउटडोर को करेंगे फिट। इस तरीके से हमने जहाँ जहाँ से स्क्रू खोले थे सारे स्क्रू इधर का एक कवर लगा दिया। अब इसके बाद हमने अपनी जेट मशीन लेके इससे वॉशिंग करेंगे एसी की अच्छे से। ये बहुत ज़्यादा गंदा था, अगर खोल कर नहीं करेंगे तो ये अच्छे से साफ नहीं होगा, क्योंकि डस्ट जो है पीछे की तरफ से चिपकी होती, तो अंदर से पानी मारेंगे बाहर की तरफ को तो ये सारी डस्ट निकल जाएगी। देखिए कितना गंदा निकल रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा गंदा एसी था हमारा। ये देखिए कितना गंदा था, नीचे दिखाइए, ये देखिए कितना गंदा निकल रहा है, देखिए फर्श पे कितना पानी भर गया, तो बहुत ज़्यादा गंदा था एसी हमारा। तो इसे अच्छे तरीके से वॉशिंग कर लेंगे हम। ये हमारा साफ पानी आने लगा, तो ये अंदर से अच्छे से वॉश हो चुका है। ये देखिए कितना पानी यहाँ भर गया, इकट्ठा हो गया।
ओहो, ये नाली में कपड़ा लगा हुआ है इसलिए यहाँ पानी भर गया। ये कपड़ा निकाल लेंगे। ये भाई देखिए कितना गंदा पानी के सारा चला गया। अब इसका हम इसे जैसे खोला था हमने वो सब फिट कर देंगे। फिट करने के बाद अब इसमें चार्जिंग लाइन कनेक्ट करके इसे करेंगे वैक्यूम। तो दोस्तों वैक्यूम की वीडियो हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले हम वीडियो बना चुके हैं इस पर। तो अब इसे एसी को करेंगे ऑन। ये हमने एसी ऑन कर दिया है, ये रिमोट से हमने ऑन कर दिया एसी। एसी हमारा चल गया। अब इसमें करनी है गैस फिल। अब बाहर जाएंगे, ये देखिए हमने आधी गैस इसमें डाल दी है तो ये फ्रॉस्टिंग आ रही है अभी क्वार्टर के पाइप पे। जब गैस हमारी कम होती है तो फ्रॉस्टिंग आती है। बैक भी देख लीजिए आप लोग, अभी 20 बैक हुआ है। इसमें गैस हमें धीरे धीरे फिल करनी होती है। अब देखिए बैक इसका 30 पहुंच गया। ये धीरे धीरे डालनी होती है। ये देखिए अभी भी फ्रॉस्टिंग आ रही है। तो दोस्तों फ्रॉस्टिंग बस जानी ही वाली है। गैस हमारी थोड़ी बहुत कम रह गई है, वो पूरी होने वाली है गैस। जैसे ही गैस पूरी होगी इसमें फ्रॉस्टिंग चली जाएगी और दोनों पाइप मॉइस्चर बनाने लगेंगे। तो दोस्तों ये हमारा बैग जो है 50 PSI के समथिंग हो गया है। अब चलिए देखते हैं पाइपों को। पाइप मॉइस्चर भी बना रहे हैं अच्छे से। तो गैस हमारी पूरी हो चुकी है, रिटर्न काफ़ी अच्छी आ रही है। तो सिलेंडर को पहले बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जो हमारी लाइन की गैस है वो भी अंदर कर देंगे खोल के। अब इसे हम डिसकनेक्ट कर देंगे चार्जिंग लाइन को। ये 50 PSI चल रहा है, मॉइस्चर काफ़ी अच्छा बन रहा है पाइपों को। आउटडोर भी देखिए वर्किंग कंडीशन में अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किए थे कि पाइप कितनी लगानी चाहिए। तो वैसे तो एसी 10-11 फिटी पाइप देता है, वैसे आप इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं। वैसे जितनी कम पाइप होगी उतना अच्छा कूलिंग करता है। वैसे 40-50 फिट तक एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन पर फिट पे 15 ग्राम पर फिट गैस फिर बढ़ानी पड़ती है हमें। तो वैसे तो 30 फिट से कम ही हो पाइप तो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ये देखिए हमारा एसी अच्छे से काम कर रहा है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें।